नमस्कार, मैं हूं धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक ओर बिहार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं 22 अक्टूबर से कांग्रेस की तिकड़ी भी प्रचार के दौरान मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। पार्टी ने कन्हैया जुग्नेश और हार्दिक पटेल के चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद कन्हैया और जुग्नेश के साथ हार्दिक पहली बार बिहार आ रहे हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। 3 अमेरिकी कंपनियों फायर स्टार, डायमंड फैंटेसी इंक और एजेएफ की अदालत द्वारा नियुक्त न्यायाधीश रिचर्ड लेविन ने ये आरोप लगाए हैं। पहले इन तीनों कंपनियों का अप्रत्यक्ष मालिक नीरव मोदी ही था। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और भिक्कू भाई दलसनिया के साथ बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष तैयारियों का जायजा लेते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। राजद के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लालू ने कहा कि अति गंभीर और विचारणीय। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री किस क्षमता से बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, ये दोनों तो इस सदन के सदस्य भी नहीं है। ओडिशा के बालासोर जिले में पुलिस ने 2.40 करोड़ रुपए कीमत की ब्राउन शुगर जब्त कर 2 महिला समेत 3 लोगों को प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और आबकारी कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने जालेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट सोमवार रात को एक होटल में छापा मारा और 2.4 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। शिरोमणि अकाली दल शियद ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने 4 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इनके साथ ही शियद के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 74 पर पहुंच गई है। शियद के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने बताया है कि बलदेव सिंह को सुनाम, हरपाल जुनेजा को पटियाला शहरी सीट, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल को लेहरा और हरदेव सिंह मेघ को बलुआना से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची जल प्रलय के बीच नैनीताल में बादल फटने की खबर सामने आई है। रामगढ़ में मंगलवार सुबह बादल फटने से रामनगर समेत कई इलाके में पानी भर गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर तरह की मदद का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाग उर्फ पीएस गोले ने दक्षिण सिक्किम के नामची स्थित भाईचुंग स्टेडियम का निरीक्षण किया। नामची स्थित नवनिर्मित भाईचुंग स्टेडियम का 20 अक्टूबर को देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उद्घाटन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे 4 उपचुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जनता से वोट बटोरने के लिए दोनों प्रमुख दलों के नेताओं की तरफ से बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सत्ताधारी दल भाजपा ने उपचुनाव में वोटिंग से पहला बड़ा दाव खेला है। दरअसल सरकार प्रदेश करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के 20 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किए गए हमलों में अब तक कम से कम 4 लोगों की जान चली गई है और 70 अन्य घायल हो गए हैं। इस दौरान 70 से ज्यादा पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया है और करीब 20 घरों में आग भी लगा दी गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने हैदराबाद में अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी कभी भी 2 चीजों पर नहीं बोलते हैं, पहली तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि और दूसरा चीन लद्दाख में हमारे क्षेत्र में जो बैठे हैं उन पर। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चीन पर बोलने से डरते हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों को कुचलने वाली SUV के अंदर कथित रूप से सवार भाजपा नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार देर रात ADG प्रशांत कुमार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आरोपी सुमित जायसवाल, शिशुपाल नंदन सिंह बिष्ट, सत्यप्रकाश त्रिपाठी को लखीमपुर खीरी पुलिस क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से सटे अपने गहन इलाकों में सैन्य अभ्यास और तैनाती बढ़ा दी है। इसको लेकर पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारत ने पूर्वी क्षेत्र में किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए योजना तैयार की है। हमारे पास हर क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर दशहरे के लिए बेरहमी से युवक के जान लेने के मामले के बाद में निहंगों ने 27 तारीख को एक महापंचायत बुलाई है। निहंग सरदारों ने 27 तारीख को इस महापंचायत में सभी निहंग गुरुओं को भी बुलाया है ताकि वो आगे की रणनीति को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सके। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो एक बार फिर मुसीबत में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल विकास नाम के इस कस्टमर का आरोप है कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उन्हें हिंदी नहीं जानने के लिए झूठा करार दिया है, जिसके बाद ट्विटर पर #rejectzomato की मांग तेज हो गई है।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को मंगलवार को दावणगेरे के पास होनाली में एक समारोह में सुपर कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा विधायक एमपी रेणुकाचार्य येदियुरप्पा को पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अनुभवी नेता का योगदान कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बहुत बड़ा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सरकार पर एमएसपी पर धान की खरीद नहीं करने का आरोप लगाया है, जिससे किसानों को अपनी उपज बाजार मूल्य से कम कीमत पर खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि भाजपा सरकार किसानों को एनएसए के तहत जेल में डालने की धमकी दे रही है, लेकिन एमएसपी नहीं देगी। पूर्व में चेन्नई सुपर किंग्स का स्वामित्व रखने वाली कंपनी इंडिया सीमेंट के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन श्रीनिवासन ने सोमवार को कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के बिना धोनी की कल्पना हो ही नहीं सकती है। एनआईए की टीम जल्द ही टारगेट किलिंग के मसले पर 5 अक्टूबर को हुए मक्खन लाल बिंद्रू और बिहार मूल के रहने वाले वीरेंद्र पासवान नाम के 4 लोगों की जान जाने का मामला कश्मीर पुलिस से टेक ओवर कर सकती है। इसके साथ ही इस केस के साथ ही पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों द्वारा एक सोची समझी साजिश से जुड़े कनेक्शन मामलों की पड़ताल भी की जाएगी। चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर के बाद से सोमवार को सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए देश के उत्तरी सीमा से लगते प्रांतों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक इनर मंगोलिया कोरोना के 9 मामले, हुनान और शांगजी प्रांत में भी 2-2 मामले सामने आए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा संघ की एक बड़ी महत्वपूर्ण समन्वयक बैठक होने जा रही है। सोमवार को भाजपा ने पार्टी मुख्यालय में दिन भर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की थी। मंगलवार से भाजपा संघ नेताओं के बीच ये समन्वय बैठक होने जा रही है। 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिरने में जिन कांग्रेस के बागी नेताओं की भूमिका थी, इनके खिलाफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सख्त टिप्पणी सामने आई है। उत्तराखंड में अपनी मजबूत पकड़ की वानगी बताते हुए हरीश रावत ने कहा, 2016 में कितने लोग सरकार गिराने में सम्मिलित थे, यदि उनका विश्लेषण करिए तो कुछ लोग भाजपा में मुख्यमंत्री बनने की बड़ी संभावना लेकर के गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में उनका हरीश रावत जम करके बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी राजनीतिक यात्रा की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा दिल भारी है, क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन भाजपा से शुरू किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शाह ने पीएम आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट की बैठक से पहले ये मुलाकात हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि शाह ने पीएम से मुलाकात के दौरान कश्मीर समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के विधायक सुखदेव राजभर का लंबी बीमारी के बाद सोमवार रात निधन हो गया। 70 वर्षीय राजभर 2007 से 2012 के बीच बसपा सरकार में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे। वो आजमगढ़ के दीदारगंज निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी थे। गुजरात से पहुंचे ऐसे ही कुछ तीर्थयात्रियों की सुरक्षित वापसी के मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने टेलीफोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत कर तीर्थयात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कहा है, जो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा और बारिश के कारण वहां पर फंसे हुए हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन ने लेनलिडोमाइड कैप्सूल के लिए उसके अब्रीविएटेड नए ड्रग एप्लीकेशन को अंतिम मंजूरी दे दी है। कंपनी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक यूएसएफडीए ने 2.5 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम क्षमता वाले लेनलिडोमाइड कैप्सूल को मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को तख्तापलट का डर सता रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की जनता से 1975 जैसी हत्याओं, साजिशों और तख्तापलट के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है, जो कि देश की प्रगति में बाधा बन सकते हैं। उन्होंने शेख रसेल के जन्मदिन के मौके पर यह बात कही है। बता दें कि शेख रसेल शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे हैं, जिसकी 10 साल की उम्र में जान ले ली गई थी। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,058 नए कोरोना केस आए और 164 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 19,470 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 6,576 एक्टिव केस कम हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरोप लगाया है कि राजद ने उसी दल से मिलीभगत कर ली है, जिसके खिलाफ आज तक हमारे साथ मिलकर लड़ते रहे। उन्होंने भाजपा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि राजद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर किसी और के साथ मिलीभगत कर ली है। चिराग पासवान के अब भी पुराने तेवर ही हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। कहा है कि पिछले चुनाव में जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में हम लोगों ने ही सफलता हासिल की है। इस चुनाव में जदयू प्रत्याशी रेस में है ही नहीं, जमानत
जमानत बचा ले यही बहुत है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिंस कुमार, सोनी रवि, अमन रॉय, मोहम्मद फैजान, अनिल कुमार, ओमकार सिंह, भोजपुरी शॉर्ट, धर्मपाल पासवान, जयप्रकाश पंडित, भगवान मिश्रा, गणेश कश्यप, अनवर हुसैन, कृष्णा दुबे, सतीश आजाद, गेमिंग कृष्णा, रघुनाथ प्रसाद, अमरेंद्र कुशवाहा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके अधूरी है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।